एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनि आश्रमन सिधाए। सारे मुनि लोग अपने अपने आश्रम को प्रयागराज में स्नान करते हुए गए। उसी समय एक मुनि है श्री भरद्वाज। मुनि भरद्वाज, भरद्वाज मुनि वसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजान। वे परमार्थ पथ के परम सुजान है। वे जानते हैं परमार्थ पथ, उनसे मार्ग पूछो। राम जी ने श्री भरद्वाज जी से मार्ग पूछा। जब उनका वनवास हुआ तो वे खुद कहते हैं, नाथ कही हम कहीं मग जाए। क्यों? क्योंकि जो जिस विधा का जानकार हो उससे वही विधा। जैसे श्री वाल्मीकि जी, तो वे इसमें निपुण है, रहने के स्थान भगवान उनसे पूछते हैं, उस कला में निपुण है। और श्री भरद्वाज जी परमार्थ पथ के परम सुजान है, इसीलिए उनसे वे पूछते हैं कि हम नाथ कही हम कहीं मग जाए, परमार्थ पथ तो हम कहीं मग जाए। जो जिस विधा का जानता उससे वो विधा। अब जैसे श्री दशरथ जी, जब वे गुरुदेव के पास गए, श्री गुरुदेव वशिष्ठ जी, और गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास जाकर कहते हैं, समस्या है। गुरुदेव बोले, क्या समस्या? कहा कि पुत्र नहीं है कोई। भगवान ने तीन बार सत्य कहा था कि हमारी वाणी सत्य होगी। महाराज मनु को आशीर्वाद देते हुए कहा, सत्य सत्य पन सत्य हमारा, और जिसके यहां आना था उसका चौथा पन आ गया। लेकिन भगवान आए नहीं। तो कहा गया, श्रृंगी मानस में।
अवध पुरी रघुकुल मणि राऊ वेद विदित नहीं दशरथ नाऊ एक बार भूपति मन माही भय गिलानी मोरे सुत नाही गुरु गृह गए तुरत मही पाला चरण लाग कर विनय विशाला। गुरुदेव ने कहा चिंता मत करो पुत्र होंगे। कैसे होंगे महाराज? चौथा पन आ गया। गुरुदेव ने कहा अच्छा भगवान ने देरी कर दी। हाँ तो कहा भगवान को भी चार रूपों में आना पड़ेगा। धरह धीर हुई है सुत चारी त्रभुवन वेदित भगत भय हाथी। चिंता ना करो भगवान भी अब चार चार रूपों में आएंगे। लेकिन गुरुदेव ने किया क्या? श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और श्रृंगी ऋषि से पुत्रेष्टि यज्ञ कराया, यज्ञ कराया पुत्र। अब आप खुद बताएं क्या गुरुदेव विश्वामित्र ऐसे थे कि उनको यज्ञ ही कराना नहीं आता था? क्या वे पुत्रेष्टि यज्ञ कराना जानते नहीं? जानते तो हैं लेकिन विषय विषय की बात। अब जैसे आप आंख के डॉक्टर के पास जाकर कहो महाराज हमारा कान ठीक नहीं है, तो वो जानता अगर जानकारी रखता होगा तो कुछ कर भरे ही देगा। लेकिन वो जिस विधा का जानता, श्री श्रृंगी ऋषि पुत्रेष्टि यज्ञ कराने के स्पेशलिस्ट थे, डॉक्टर हड्डी विशेषज्ञ और कुछ आंख के विशेषज्ञ कान के विशेषज्ञ, तो ये श्रृंगी ऋषि पुत्रेष्टि यज्ञ कराने के विशेषज्ञ थे, इसीलिए उनको बुलाया गया।